टीवी में मैं आपके साथ चंदा यादव। दिल्ली को दहलाने की साजिश चल रही थी, वो भी त्योहारों के दिनों में। जी हां, दिल्ली में लगातार इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं और हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी यानी कि अशरफ से पूछताछ कर रही है, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें, पूछताछ में अशरफ ने बताया है कि 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर हुए ब्लास्ट से पहले उसने रेकी की थी। अशरफ ने जांच अधिकारियों को बताया कि उसने दिल्ली हाईकोर्ट की रेकी की थी। अशरफ को जब इस ब्लास्ट में शामिल एक संदिग्ध की फोटो दिखाई गई, तब उसने इस बात का खुलासा किया कि खुद उसी ने हाईकोर्ट की रेकी की थी। हालांकि हाईकोर्ट में हुए इस ब्लास्ट में प्रत्यक्ष तौर पर वह शामिल था या नहीं, यह भी पूछताछ में साफ होगा, क्योंकि इस ब्लास्ट में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल होने के सबूत फिलहाल नहीं मिले हैं। अशरफ ने बताया कि उसने साल 2011 में आईटीओ स्थित पुलिस हेडक्वार्टर यानी कि पुराना पुलिस हेडक्वार्टर की रेकी भी की थी। उसने बताया कि कई बार रेकी की, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर लोगों को रुकने नहीं देते थे। साथ ही आईएसबीटी की ओर से रेकी उसने ही की थी और सारी जानकारी पाकिस्तान के हैंडर्स को भेजी थी। फिलहाल जांच एजेंसी अशरफ से इस बात की पूछताछ कर रही है कि क्या वह दिल्ली के किसी ब्लास्ट में शामिल रहा है या नहीं। वहीं सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी ने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है कि उसने फर्जी आईडी बिहार के एक गांव में सरपंच से बनवाई थी। यह आतंकी जब पहली बार साल 2004 में पाकिस्तान से बांग्लादेश और कोलकाता होते हुए भारत में दाखिल हुआ था, तो उसके बाद वह सीधे अजमेर शरीफ गया, जहां पर उसकी मुलाकात बिहार के कुछ लोगों से हुई। इन लोगों के साथ वह बिहार चला गया। वहां जाकर उसने एक गांव में शरण ली। इस गांव में कुछ समय रहकर उसने सरपंच का विश्वास जीता और सरपंच से कागज में लिखवाकर गांव का निवासी होने की आइडेंटिटी बनवा दी थी। फिलहाल पुलिस को अशरफ से भी और जानकारी मिलने की उम्मीद है। पुलिस लगातार अशरफ से पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी आप खबरों के लिए बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।